साल 2013 से एक नाबालिग संग रेप की सजा काट रहे आसाराम बापू अभी भी जेल में ही हैं। उन्हें जेल में हुए लगभग 11 साल का समय हो गया है। इन 11 सालों में आसाराम बापू ने लगभग 15 से ज्यादा जमानत याचिकाएं लगाई, जमानत अर्जियां लगाई, लेकिन आसाराम बापू पर किसी भी कोर्ट ने, देश की किसी भी अदालत ने कोई रहम नहीं दिखाया और आसाराम बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इन जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद होते हुए आसाराम बापू का केस न जाने कितने दिग्गजों ने लड़ा, जैसे सलमान खुर्शीद, सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी जैसे दिग्गज अदालत के मैदान में उतरे और ये कह सकते हैं कि न्याय के मंदिर में आसाराम बापू ने कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी भी अदालत ने आसाराम बापू पर रहम नहीं दिखाया। दिखाते भी क्यों, क्योंकि किसी नाबालिग संग बलात्कार का मामला था। और अब उसी आसाराम बापू को कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है। जी हाँ, लेकिन 11 सालों से बंद वही आसाराम बापू अब जेल से बाहर आने वाले हैं। जी हाँ, आसाराम बापू को कोर्ट से बड़ी राहत मिलने वाली है, बड़ी खुशखबरी मिल गई है और खुशखबरी ये कि वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन सिर्फ इलाज के लिए। जी हाँ, आसाराम बापू जेल से इलाज के लिए बाहर आएंगे। आपको बता दें कि आसाराम बापू की उम्र इस वक्त लगभग 83 साल की बताई जाती है और उनकी तबीयत खराब रहती है। हालांकि कोर्ट ने जेल में उनका इलाज करवाने की परमिशन दी थी और जेल में उनका इलाज भी चल रहा था। इससे पहले अदालत ने उनका आयुर्वेदिक इलाज चलाने की परमिशन दी थी, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज से आसाराम बापू को कोई राहत नहीं महसूस हुई और अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ रही है और जेल में जिस तरीके से उनका इलाज हो रहा है वो इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा है उन पर। और ऐसे में आसाराम बापू अब जो है वो जेल से बाहर आने वाले हैं और उन्हें मुंबई के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा और इसके लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए वो जोधपुर जेल से एयर एम्बुलेंस के जरिए वो मुंबई के किसी अस्पताल में उन्हें भेजा जाएगा। इस दौरान उनके साथ में एसपी रैंक का कोई अधिकारी मौजूद रहेगा और इसके अलावा 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। पूरे इलाज के दौरान ये सारे पुलिस अधिकारी आसाराम बापू के साथ ही मौजूद रहेंगे। आसाराम बापू एडमिट रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे, इसके अलावा जो तमाम जो चीज़ें हैं इलाज के दौरान उनके साथ रहेंगे और जैसे ही इलाज पूरा हो जाएगा, आसाराम बापू की तबीयत में सुधार होगा, उसके बाद यही जो पुलिस अफसर जो है वो आसाराम बापू को वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में लेकर आएंगे। वही जोधपुर जेल जहां पर सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स ने भी जेल की रोटी खाई है। हालांकि 3 ही दिन में वो बाहर चले गए थे। आसाराम बापू इस बात का बड़ा दुख मनाते हैं क्योंकि उन्हें जेल में जिस तरीके से लगभग 11 साल हो गए हैं और उनकी उम्मीद जो है वो जेल से बाहर आने की टूटती जा रही है। उम्र उनकी 83 साल हो चुकी है और उम्र अब 7 छोटी नजर आ रही है और अब इसी के चलते आसाराम बापू अब जेल से बाहर होंगे। उन्हें जो है वो इलाज के लिए बाहर लाया जाएगा, मुंबई के किसी अस्पताल में वो जाएंगे और उनका इलाज जो है चलने के बाद उन्हें वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में लाया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।